हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस पटना यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक नए कोर्स के बारे में, यानी जो अक्सर आप क्लास ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का चॉइस होता है कि वो बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी बीसीए का मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी वो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहते हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशन फील्ड में, यानी कंप्यूटर के फील्ड में वो अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद की जाने वाली कोर्स को हम लोग कहते हैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इट मीन्स बीसीए। और अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट है और आप चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका बीसीए कोर्स, यानी बिहार के एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं कि बीसीए कोर्स को करना, तो आपकी चॉइस में आता है पटना विश्वविद्यालय, यानी पटना यूनिवर्सिटी आपका एक ड्रीम चॉइस बनता है कि आप यहाँ से बीसीए में बीसीए के कोर्स में एडमिशन लें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपको पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स में एडमिशन आपको मिलेगा 2023-26 के बैच में, या फर्दर जो भी बैच में आप लेना चाहते हैं। तो बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी सीट है, कितना आपको चार्ज पे करना पड़ता है, इंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन अदर तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको ऑन द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस के बारे में। और हम जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं सारे पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई प्रोस्पेक्टस से बताने वाला, यानी प्रोस्पेक्टस में क्या नियम कायदा कानून बताया गया है बीसीए में एडमिशन लेने के लिए, मैं पूरे नियम कायदा कानून के तबादत को रखते हुए मैं आपके सामने वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए वन बाई वन करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूं। तो मेरे पास पटना विश्वविद्यालय के द्वारा से जारी किया गया जो दिशा निर्देश था, जिस दिशा निर्देश में पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था, उसी दिशा निर्देश से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बीसीए कोर्स के बारे में देख सकते हैं, मैं आपको पूरी थोड़ी सी स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको सारी कहानी इसको पहले बता देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको पूरे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लैकबोर्ड पर समझाता हूँ क्या है बीसीए कोर्स और कैसे इसमें एडमिशन होता है, इसके प्रोसेस के बारे में। अगर मैं बात करूँ बीसीए कोर्स के बारे में तो बीसीए कोर्स का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बात तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया के बारे में समझ लीजिए। बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास चाहिए क्लास ट्वेल्थ आप पास आउट होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है फिर भी आप पटना विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब इसका एडमिशन होगा, यानी जब आपको कॉलेज मिलेगा, उस टाइम तक आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, यानी आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई अप्लाई करने के बारे में। बीसीए के लिए सबसे बेसिक कंडीशन है पटना विश्वविद्यालय में कि आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए या अपीयरिंग होनी चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आपका क्लास ट्वेल्थ में हर हालत में मैथ होना चाहिए। पहली कंडीशन कर सकते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए, यानी आपका क्लास 12 साइंस से कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो से हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि साइंस के साथ साथ आपका क्लास 12 में मैथ भी रहना चाहिए, यानी बीसीए वही करेंगे जिनका मैथ होगा। यानी अगर वो क्लास 12 में मैथ पढ़ते हैं, अगर वो क्लास ट्वेल्थ में अपना मैथ से अपना क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट किए, या कहने का मतलब अगर आपका मैथ एक पेपर रहा होगा क्लास ट्वेल्थ में और आप साइंस के बच्चे होंगे, यानी आपका क्लास ट्वेल्थ साइंस से कंप्लीट होगा साथ में आपका मैथ होगा, तभी आप बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक तीसरी कंडीशन है पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कि आपका मिनिमम परसेंटेज 45% आपका होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। यानी बीसीए में एडमिशन लेने के लिए तीन कंडीशन, पहली कंडीशन क्लास ट्वेल्थ आपका कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए, साथ में आपका मैथ भी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, और तीसरी कंडीशन आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। दिस इज नंबर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर सेकंड कंडीशन एंड दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। अगर ये आप तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए में अप्लाई करने के लिए इलिजिबल है। पहली बात आप समझ गए पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए है, क्या है आप इलिजिबल है। अब चलिए स्टोरी के बारे में समझते हैं कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा कैसे। तो पहली बात, जब पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए जब फॉर्म आएगा, यानी पटना यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए अप्लाई करने का फॉर्म आएगा, तो आपका पहला ड्यूटी बनता है अप्लाई करना, यानी नंबर पहला स्टेज क्या है आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद नंबर सेकंड स्टेज क्या है, इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, यानी इसके एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्या करना है, क्रैक करना है। एंड नंबर थर्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो थर्ड कंडीशन है कि इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का फिर होता है काउंसलिंग, यानी आपको कॉलेज मिलता है तो यानी कॉलेज मिलता है उसको कहते हैं हम लोग काउंसलिंग, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। अप्लाई करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में आपका फॉर्म चल जाता है, पहला कंडीशन कि आपका पटना यूनिवर्सिटी में क्या हो जाता है फॉर्म आपका अप्लाई हो जाता है। सेकंड क्या है, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट आता है,
यानी सेकंड स्टेप से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जब आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको आखिर कौन सा कॉलेज मिला है, और जब आपको पता चल जाता है कॉलेज के बारे में तो फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे मेजर चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ दो चैलेंज है। पहला चैलेंज कि अप्लाई करने के बारे में तो आसान सा प्रोसेस है, आप कहीं भी साइबर कैफे से जाकर के आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करना मेन चैलेंज नहीं है, मेन चैलेंज यहाँ पे, तो यहाँ पे चैलेंज है सेकंड स्टेज मतलब मेन चैलेंज क्या है आपका, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। और एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा क्या लाना है, एक अच्छा रैंक लाना, यानी अच्छा मार्क्स लाना, यानी कहने का मतलब आपका एंट्रेंस के एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आपका अगर नहीं आता है तो फिर आपको काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं आपको बीसीए के लिए सीट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में बीसीए का सीट लिमिटेड है, बहुत ही कम सीट है। तो इसलिए बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना थोड़ा सा चैलेंजफुल हो जाता है, कारण है कि बीसीए एक स्टैंडर्ड कोर्स है, और इस स्टैंडर्ड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सीट लिमिटेड है, तो आपको अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं फिर आपका जो ड्रीम है बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने का वो ड्रीम ही रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आखिर आपसे पूछा क्या जाता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम का इसका सिलेबस क्या है, यानी बीसीए कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अगर पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं पटना विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो बेसिकली 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, जो कि आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो अगर बात की जाए ये 100 क्वेश्चन के बारे में, जो आपसे 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहाँ कहाँ से रहते हैं, इसके बाद इसके डिटेल सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको फर्दर। पहले ये समझ लीजिए, ये जो आपका 100 क्वेश्चन है ये दो ग्रुप में रहता है, एक ग्रुप आपका ए है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पेपर, यानी फर्स्ट ग्रुप को हम लोग कहते हैं जनरल पेपर का, ये ग्रुप हो गया, और नंबर सेकंड जो हो गया वो आपका हो गया आपका मेन पेपर। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जनरल पेपर और मेन पेपर। ये तो आप समझ चुके हैं कि आपका जो क्लास 12th पास आउट है आप साइंस से होना चाहिए, साइंस में आपका मैथ होना चाहिए। मेन पेपर इसका मतलब आपका साइंस वाला पोर्शन ही रहेगा, साथ में मैथ रहेगा, यानी मेन पेपर भी फर्दर आपका तीन पार्ट में डिवाइड रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपका मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के। अगर बात की जाए लेवल का तो ये आपका प्लस टू लेवल का मैथ रहेगा, प्लस टू लेवल का फिजिक्स रहेगा, प्लस टू का केमिस्ट्री रहेगा। ये होगा मेन पेपर के बारे में बात। वहीं अगर जनरल पेपर के बारे में बात की जाए तो जनरल पेपर में आपका होता है रीजनिंग, इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कुछ करंट अफेयर। यानी एक जो आपका पेपर होता है ए जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जनरल पेपर है जिसमें क्या क्या रहेगा, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर और जीके जीएस वगैरह। ये होता है आपका जनरल पेपर 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव। अब इस फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, मैथ में क्या पूछा जाता है, और यहाँ के जो 40 क्वेश्चन है इस पोर्शन में क्या कुछ पूछा जाता है, ये मैं डिटेल में आगे के सिलेबस में बताऊंगा। तो वो सारे वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर आपको अपडेट मिल सके। तो यहाँ जब आप फिर 100 क्वेश्चन को फेस करते हैं, इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो थर्ड स्टेज में आप क्या करते हैं, काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। मतलब जितना आपका रैंक आएगा यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, या कह सकते हैं जितना आपका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप क्या कीजिएगा, फिर से साइड पे आइएगा और चॉइस फिलिंग कीजिएगा। चॉइस फिलिंग कहने का मतलब इसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो भी क्या है, ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब क्या होगा, चॉइस फिलिंग करना। तो चॉइस फिलिंग रिजल्ट आने के बाद होता है, तो आप चॉइस फिलिंग जरूर कीजिएगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं फिर आपका आता है मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट करने का मतलब आपको मिल जाता है कॉलेज, और जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है फिर आप जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन का पेमेंट करते हैं, और इस तरीके से आपका बीसीए का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है पटना यूनिवर्सिटी में। बट यहाँ पे फिर भी एक दो चीज़ें सामने निकल करके आती है कि कौन कौन से कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए के कोर्स अवेलेबल है, और बीसीए कोर्स में कहाँ कितना सीट है, ये भी आपके लिए जाना जरूरी चाहिए। नंबर फर्स्ट मैं बात बताऊंगा कहाँ कहाँ पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए का कोर्स है, नंबर सेकंड बताऊंगा सीट कितना है, नंबर थर्ड बताऊंगा कि एडमिशन में आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। चलिए ये और तीन इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं ताकि हमारा वीडियोस कंप्लीट हो जाए और आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर बात की जाए बीसीए कोर्स में एडमिशन चार्ज के बारे में तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बीसीए का यहाँ जो कोर्स चलता है वो क्लास वाइज नहीं सिस्टम है बल्कि सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, यानी आपके एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ सेमेस्टर वाइज के सिस्टम में 6 सेमेस्टर में आपका यह कोर्स कंप्लीट होता है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड आपका 6। इस तरीके से 6 सेमेस्टर में कोर्स कंप्लीट होता है, और पटना विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर का एडमिशन चार्ज 13,600 रुपये, यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 13,600 × 6 यानी इतना 1,000 रुपये, यानी 6 सेमेस्टर के कोर्स करने में आपको लगभग 81,600 रुपये, यानी कह सकते हैं कि लगभग 90,000 के आसपास का खर्च हो जाता है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। और आपको स्टार्टिंग टाइम एडमिशन लेने में आपको कितना पड़ जाएगा, 13,600 रुपये, तो इतना आपका चार्ज है। वहीं अगर सीटों के बारे में बात की जाए और बात की जाए कहाँ कहाँ बीसीए का कोर्स अवेलेबल है,
तो आप इसे देख सकते हैं बीसीए के कोर्स यहाँ पटना विश्वविद्यालय में लगभग 3-4 कॉलेज में इसके बीसीए के कोर्स अवेलेबल। अगर नंबर फर्स्ट कॉलेज के बारे में बात की जाए तो बीएन कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का ही कॉलेज है जहाँ बीसीए के 60 सीटें। वहीं अगर दूसरी कॉलेज के बारे में बात की जाए तो मगध महिला कॉलेज जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, यहाँ भी बीसीए के 60 सीट है। अगर तीसरी कॉलेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपका आता है पटना कॉलेज में भी बीसीए के लगभग 30 सीटें हैं। और अगर अंतिम और आखिरी कॉलेज के बारे में बात की जाए जो कि बीसीए के मामले में सबसे टॉप कॉलेज है जो कि है पटना साइंस कॉलेज, और पटना साइंस कॉलेज में भी बीसीए के आपके 30 सीट हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बीसीए एडमिशन की जो पूरी जानकारी था वो आप समझ चुके होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।